क्या कहा तुमने? तुम उस बंगले में नहीं जाओगी? आपने बिल्कुल ठीक सुना, ना तो मैं उस बंगले में रहूंगी और ना ही किसी और को वहां रहने दूंगी। ये क्या बचपना है यशोदा, घर के सभी लोग इतनी मुसीबत में हैं, हर रोज यहाँ कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा होता है, हमें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ कहीं भी और रह लूंगी, मगर उस घर में बिल्कुल नहीं। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? ये मेरे आत्मसम्मान की बात है। वाह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे आत्मसम्मान की परिभाषा क्या है? आनंद सक्सेना और श्वेता रोज हमारा अपमान करते हैं, हमें कभी भी उठाकर इस घर से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। ये सारी बातें तुम्हारे आत्मसम्मान को चार चांद लगाती है, और मैं दिन रात मेहनत करके कामयाबी हासिल कर रहा हूं जिसके एवज में मुझे मकान दिया जा रहा है, तो उससे तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचती है। आज मेरी समझ में आया कि एक पति की कामयाबी पत्नी के लिए ईर्ष्या का विषय भी बन सकती है। गलत, मुझे आपकी कामयाबी से कोई ईर्ष्या नहीं है राकेश, मगर इस कामयाबी को हासिल करने के लिए आप जिन गलत रास्तों को चुन रहे हैं उन पर चलने से मैं आपको रोकना चाहती हूँ। गलत रास्ता? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? क्या गुनाह कर दिया राकेश? रात रात भर घर से बाहर रहना, आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान, लेडीज परफ्यूम की स्मेल, हर चीज राकेश, हर एक चीज इस बात की गवाही दे रही है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं। बहुत सह लिया मैंने राकेश, बहुत सह लिया, और अपनी नहीं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए। आप मत भूलिए कि मैं इस घर की बहू हूं, और आपकी बदनामी मेरा अपमान है, और सिर्फ इसी वजह से मैं चुप हूं, सिर्फ इसी वजह से राकेश, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूं। बस बुआ जी। बस क्यों? खीर तो तुझे पसंद है ना बेटा, खा। खीर तो पापा को भी पसंद है, हम थोड़ी सी खीर पापा को दे। चल चल आजा। आज खीर बनाई थी, मीरा कह रही थी कि पापा को पसंद है, तो मना किया था मैंने, घर के हर सदस्य से साफ साफ कहा था कि मेरे सामने ड्रामा या कहानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों की समझ में मेरी बात शायद आई नहीं है। ए बुढ़िया, काम थोड़ा किस्म है, मेरे सामने आने की जरूरत मत करना वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। बेटा मुझे गलत मत समझो। फिर वही कहानी, फिर वही कहानी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें तो मैं आनंद, क्या बात है? फिर वही कहानी श्वेता,
मुझसे बात करने की, रिश्तेदारी निभाने की कोशिश की जा रही है, एंड आई डू नॉट लाइक दिस। आनंद, इन बेशर्म लोगों की वजह से तुम अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? तुम काम पर जा रहे थे ना, क्यों कह रही हो? अपनी उम्र का लिहाज करो बुढ़िया, दोबारा नहीं बख्शूंगा। बुआ जी को भी डांटा, पापा बहुत गलत। ऐसा नहीं बोलते, शांत हो जाओ। चॉकलेट खाएगी? चॉकलेट, हाँ चॉकलेट भी खाएगी और आइसक्रीम भी खाएगी, खाओगी ना? खाएगी खाएगी। जाओ तेरे पर, जाओ इसको ले जाओ बाहर, आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों खिलवा के ला। चॉकलेट आइसक्रीम अभी खिला। बस कीजिए बुआ जी, बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है उसे मैंने, मेरी गोद में खेला है वो। और आज बुआ जी, नहीं बेटा, ये मेरा अविनाश नहीं है, ये हमारा अविनाश नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। बुआ जी सब ठीक हो जाएगा, तुझे उम्मीद है, मैंने तो अपनी उम्मीद खोई है बेटा, मैं नहीं। जी बाबूजी, और कावेरी भाभी का भी फोन आया था। अच्छा, कावेरी का फोन आया था? हमारे मुन्ने मियाँ कैसे हैं? नानी के साथ एकदम खुश हैं, उनका मन बहला रहे। वैसे भाभी कह रही थी कि वो वापस आना चाहती हैं, हमने मना कर दी, यहाँ पर घर की शिफ्टिंग का मामला था। अरे रिमझिम, घर की क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना कि रहने का इंतजाम मैंने करवा लिया है। बाबूजी, वो बंगला बहुत ही स्पेशियस है, बाहर एक बहुत खूबसूरत गार्डन भी है, हम सब लोग वहाँ बहुत कंफर्टेबली रहेंगे। कितनी अच्छी बात है ना जी, हमारे ज़रूरत के वक्त राकेश को ये घर मिल गया। हाँ बेटा, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें बंगला मिल गया है, लेकिन हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट नहीं करेंगे? क्या मतलब? बेटा हम सब वहीं चलकर रहेंगे जो जो जगह मैं देख कर आया हूँ। पर बाबूजी, आप चलकर एक बार बंगला देख तो लीजिए, बहुत अच्छा है और वहाँ किराए विराए का भी कोई चक्कर नहीं है। राकेश, जब बाबूजी वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? उन्होंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा फैसला क्यों किया है। हाँ जी, मेरी भी समझ में नहीं आता, हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? देखो राकेश बेटा, मुझे प्लीज, मुझे गलत मत समझो, ऐसा है बेटा कि एक मुद्दत से मैं हालात के दबाव में हूं, बहुत से लोगों के एहसान है मुझ पर, कईयों से कर्ज ले रखे हैं, कुछ और से और तरह की मदद। बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं जहां मैं एक आजाद किस्म की जिंदगी जीना चाहता हूं और उसी में मुझे सुकून है। बेटा मैं फिर से एहसानों के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहता हूं, इसीलिए मैं दिल से चाहता हूं कि हम सब वहीं चलकर रहें जो जगह मैं देख कर आया हूं, किराया दे और हक से रहे। हाँ अगर तुम चाहते हो बेटा तो तुम बहू को लेकर उस घर में जाकर रह सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वाकई
नहीं बाबूजी, मैं वही रहूंगा जहां आप रहेंगे, जहां हम सब रहेंगे। इसलिए जो घर आपने तय किया हम सब वहीं चलकर रहेंगे। अरे ड्राइवर, हाँ पाइप खींच के ले जाओ। हाँ हाँ, ये देखो ये कोना पकड़ो, हाँ वहां ले जाओ पौधों, पानी तो बहुत सूख रहे हैं। हाँ, हम यहाँ लगा थे नल में, ठीक है? हाँ, पूरा खोलना। हाँ, हाँ। अरे अविनाश बबुआ, अरे गलती हो गई। क्या कर रहे थे? अंधेरे हो गए हो? वो गलती हो गई, हम देखे नहीं कि आप आ रहे हैं। पता नहीं से क्या मतलब होता है, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। एक बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहा था मैं, और तुम्हारी मेरे इलाके में एक कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? कहा था मैंने, तुम लोगों की माफी मांगने की भी औकात नहीं है, समझे? करो तो भैया, तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अरे तुम्हारी हिम्मत क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत क्या? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं है? हिम्मत कैसे मेरे इलाके में आने की? तुम्हारी मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हो? हिम्मत कैसे तुम्हारी? मालिक, मैं भी तो तुम्हारे ही इलाके में हूँ। मारो। क्या हो रहा है ये सब? जरूर तुम ही लोगों ने कोई बेहुदा हरकत की होगी। आनंद, तुम्हें इनके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से। मेरा हाथ भवानी शंकर पे उठते उठते रुक गया। क्यों मेरे हाथ ने मेरे दिमाग की बात मानने से इनकार कर दिया? क्यों? बच गया भवानी शंकर आज मुझसे, बच गया मेरे कहर से, बच गया भवानी शंकर आज। आनंद, खुद पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे हाथ का रुक जाना इस बात का सबूत है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हारे परिवार की अच्छाइयां तुम में मौजूद हैं। मैं इसी बात से डरती हूँ, कहीं तुम्हारे अंदर की अच्छाइयाँ तुम्हें कमजोर। नहीं नहीं श्वेता, नहीं, कोई मुझे कमजोर नहीं बना सकता। मेरे दिल में चलती हुई आग को कोई कम नहीं कर सकता। जब तक मैं भवानी शंकर को बर्बाद न कर दूं, कोई मुझे कमजोर नहीं कर सकता। कोई आनंद रिलैक्स, आनंद रिलैक्स, कूल डाउन, जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम। अच्छा बापूजी, नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं। आज ही हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, वो अविनाश हो या आनंद हो, वो हमारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, ना देखें, हम यहाँ से इतना दूर चले जाएंगे कि उसका साया भी हम पर नहीं पड़ेगा। बापूजी प्लीज घर छोड़ने की बात मत कीजिए, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अभी कुछ सुनने को बाकी रह गया क्या? नहीं रंजन,
वो अविनाश नहीं है, ये तो आज उसने साबित कर दिया। अब तो कोई कारण ही नहीं है यहाँ रहने का, हम चले जाएंगे आज ही अपने घर। बाबू जी अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। उम्मीद? किस उम्मीद की बात कर रही है अब तू? बाबू जी आपने गौर नहीं की, कहते कि आपसे इतनी नफरत करते हैं लेकिन आप पर हाथ नहीं उठा सके। बाबू जी आपने देखा था वो किस तरह रुक गए थे, बिना कुछ कहे वहां से निकल गए वो। हम सब पता लगा लेंगे बाबू जी, जो खबर मिलेगी हम सबके लिए अच्छी होगी। प्लीज बाबू जी एक मौका और दे दीजिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें। श्वेता प्लीज ये इंजेक्शन मत दो। तुम जब भी इंजेक्शन देती हो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। देखो आनंद, मैं भी इंजेक्शन तुम्हें नहीं देना चाहती, लेकिन डॉक्टर का कहना है अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। प्लीज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती आनंद, प्लीज ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। प्लीज श्वेता प्लीज, अब तुम आराम करो, तुम्हारे लिए आराम बहुत जरूरी है। अनुराग, हम रंजीम बोल रहे हैं। हाँ रंजीम बोलो। अनुराग तुमसे बहुत जरूरी काम था। क्या हुआ, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? घर की प्रॉब्लम्स के बारे में तो तुम जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, जयंती का भी जबलपुर से फोन आया था, वो भी आना चाहते। एनीवे ये सब छोड़ो, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। अनुराग हमारे हाथ में कुछ दवाइयाँ लगी हैं जिससे आनंद सक्सेना की सच्चाई के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हम चाहते हैं कि तुम उन्हें चेक कर लो। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही तुम्हें फुर्सत मिलती है प्लीज आ जाओ।